क्रिटनाइन एक वर्ड है जो आपने सुना क्रिटनाइन क्रेटनाइन क्रिटनाइन क्रिट बढ़ गया क्रिटनाइन बढ़ गया आपने अक्सर सुना किडनी पेशेंट्स की तो ये एक डरावना शब्द है कि आपका क्रिटनाइन लेवल बढ़ चुका है दैट दैट इज इज वेरी डेंजरस वर्ड और अब ये बढ़ने का मतलब क्या है एक मिनट में मैं समझाता हूँ आपका सारा डर क्रेटनाइन से निकल जाएगा और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे वो किडनी पेशेंट रहेंगे नहीं वो ठीक हो जाएंगे इस सोच के साथ देखिए आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रिटनाइन का नॉर्मल लेवल क्या है तो बोलेगा क्रिटनाइन का नॉर्मल लेवल है अप टू एम जी पर डेसी लीटर वन पॉइंट टू एम जी पर डेसी लीटर अच्छा उसके ऊपर अगर किटनाइन आ जाए तो क्या होगा एब नॉर्मल लेवल है तो आप बीमार हैं आपका किडनी काम नहीं कर रहा एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है अगर मैं क्रिटनाइन लेवल किसी का सौ प्रतिशत बढ़ा दूं, यानि कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है 2.4 तो क्या कोई डेथ हो जाएगी 100 प्रतिशत छोड़िए मैं उसको एक हजार प्रतिशत बढ़ा दू वन थाउजेंड परसेंट यानी कि टेन टाइम्स टेन टाइम्स कितना होगा ट्वेल्व राइट लगभग ट्वेल्व बारह राइट right? मतलब एक हजार प्रतिशत यानी कि दस गुना बढ़ा दूं तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी द आंसर इज नो अच्छा अगर मैं दो हजार प्रतिशत बढ़ा दूं प्रटनाइट किसी का दो हजार परसेंट टू थाउजेंड परसेंट यानी कि वो बीस से ऊपर कर दूं चौबीस पच्चीस राइट पच्चीस जहां तो स्टैंडर्ड वन पॉइंट टू तक था उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने प्रटनाइट बढ़ा दिया ट्वेंटी फोर कर दिया क्या डेथ हो जाएगी अच्छा मैं तीन हजार प्रतिशत थ्री थाउजेंड परसेंट राइट अगर किसी का क्रिटनाइन लेवल बॉडी में बढ़ जाए क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी अगर क्रिटनाइन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी वॉट इज दैट थ्रेशोल्ड आपको जा, जान के हैरानी होगी ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं देर इज नो सच थ्रेशोल्ड राइट क्रेटनाइन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो क्रेटनाइन कोई आपका दुश्मन नहीं है उसके बहुत सारे काम हैं बल्कि इसका विपरीत जिन लोगों की क्रिटनाइन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिटनाइन लेवल ज्यादा होते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है लार्जेस्ट स्टडी राइट जिसमें पांच फाइव थाउजेंड थ्री सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था कई साल चला स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिटनाइन कम था नॉर्मल था उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रिटनाइन काफी बढ़ा हुआ था ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस राइट तो क्रिटनाइन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है ऐसा कोरिलेशन नहीं है लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है एविडेंस इज देयर राइट एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू लेकिन ऐसा क्यों है जिनका क्रिटनाइन ज़्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए क्योंकि क्रिटनाइन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल ज्यादा हों जिन लोगों के बॉडी में जितना ज़्यादा मसल्स तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो उनके ब्लड में ज़्यादा क्रेटनाइन बनेगा राइट जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज़ नॉट नॉट गुड तो वो फ्रेजाइल बॉडी है वो जल्दी मर सकते हैं तो ज़्यादा क्रिटनाइन का मतलब पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज़्यादा मसल्स है या जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में ब्लड में क्रेटनाइन बढ़ जाएगा राइट right? तो ये कोई डैमेज नहीं है उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड मसल मोर क्रिटनाइन मोर नंबर वन राइट पहली इंपॉर्टेंट बात सो so, दूसरी बात अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रेटनाइन लेवल बढ़ाया जाता है क्योंकि क्रिटनाइन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है लाइक एन इम्यूनिटी राइट तो क्रिटनाइन बढ़ सकता है दूसरी बात कब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वैक्टीरियल कौन मारेगा वो क्रिटनाइन ही मारेगा राइट right? ब्लड में जब बैक्टीरियल uh, इन्फेक्शन हो जाएगा तो इट इज़ अ अटनाइन विच विल किल तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रिटनाइन बढ़ गया तो क्या बोलेगा आप तो किडनी पेशेंट हो गए राइट right? तीसरी बात जब आप स्टीरोयड लेंगे ज़्यादा एस्प्रिन की तरह दवाइयाँ लेंगे ज़्यादा तो आपका क्रेटनाइन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मेकेनिज्म है ताकि वो जो स्टीरोयड है उसके असर को उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए राइट right? तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्प्रिन या स्टीरॉइड लेना कम कर दो बंद कर दो राइट लेकिन वो उस वक्त जो क्रिटनाइन बढ़ गया है उस क्रिटनाइन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप एक, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप अपना क्रिटनाइन चेक कराइए जैसे आज अभी चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं आप पेट भर के मीट खाइए मीट रेड मीट रेड मीट खाने के बाद दो घंटे बाद दोबारा क्रिटनाइन चेक कराइए तीन चार गुना बढ़ा मिलेगा क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं आप लिटरली क्रेटेनाइन खा रहे हैं और क्रेटनाइन जब आप खा रहे हैं तो ये पेट से वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लड में क्रेटेइन की लेवल क्या होगी बढ़ेगा ना तो क्या इससे ये हम समझेंगे कि किडनी खराब हो गई ट्राई टू तो अंडरस्टैंड क्रेटनाइन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिटनाइन बढ़ जाएगा या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रीटनाइन बढ़ जाएगा राइट तो तो ये चार हैं एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिटनाइन वो नहीं हो पा रहा तो आपका क्रिटनाइन बढ़ गया ये सिर्फ एक एक फैक्टर है पांचवा फैक्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट तो किसी का भी क्रिटनाइन ज्यादा है तो उन पांच में से कोई एक कारण होगा उनमें चार कारण पॉजिटिव है और एक कारण जरूर नेगेटिव है लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है उसका होटनाइन ज्यादा दिखता है तो क्या कंक्लूड करते हैं किडनी फेलियर का पेशेंट है राइट क्लियरली किडनी फेलियर के पेशेंट है आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा कुकड मील मीट राइट किसी भी फॉर्म में तो आपका क्रिटनाइन दो तीन गुना चार गुना बढ़ जाएगा बस इतना ही करना आप एक बार, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना जो लोग एनिमल एन, फूड खाते हैं मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट यू आर ईटिंग क्रिटनाइन एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रिटनाइन वेस्ट है दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं ऊपर से जब क्रिटनाइन बढ़ रहा तो बोल रहे किडनी की गलती है सो so, क्रिटनाइन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है राइट ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है ये सोच उतना ही गड़बड़ है उसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए मान लो आपको मैं ये दूरबीन देता हूँ और दूरबीन लेके ले आपको बोलता हूँ देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं देखिए कितने लोग जख्मी हैं कैसे देखें जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी कम खून दे कम जख्मी कोई खून नहीं है लाल राइट तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून लाल खून लाल खून राइट आप देखते हैं आप देखते हैं मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है राइट तो ये क्या दिख रहा है दूर से दूरबीन से क्या लगेगा ये खून लगेगा राइट हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना राइट वो 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 कोई रंग हो सकता है वो जूस हो सकता है राइट right? वो उसका डिजाइन हो सकता है तो हर लाल चीज को खून बताना राइट right? ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रिटनाइन को किडनी पेशेंट बताना ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस राइट right? तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक शेड्यूल के तरह तहत पहले तो आपको ये बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है अब किडनी खराब है तो क्या करना है किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें किडनी स्टार्ट सटिंग डाउन किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है पहले तो उसका क्रिटनेन को बढ़ा के बोलते हैं किटने आपका दुश्मन है देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट है तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ बस एक डायलिसिस करने की देर है वो मुट्ठी में आ गया अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है अब अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी याद रखिए जो डायलिसिस है ये एक लाख करोड़ का व्यापार है एक लाख करोड़ का व्यापार है और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा पचास हज़ार का आता है एक अटेंडेंट भी होता है उसका भाई उसका बेटा राइट और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना ये एक अपने आप में बीमारी है तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे और हमने एक मेथड रिलीज किया लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पॉस्चुरल मेडिसिन यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईट नीच रख देंगे और एक पर्टिकुलर पॉस्चर पे किडनी पेशेंट जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएँगे रोज दो से चार घंटे तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है बॉडी का किडनी ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है और काफ़ी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है तो ये जब प्रचार होने लगा लोग अपने आप ठीक होने लगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया राइट और एफ की उन्होंने गुजारिश की तो आज मेरा मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इनविटेशन दिया स्पीड पोस्ट से दिया टेलीफोन से दिया व्हाट्सएप से ई से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ़्रॉड है तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए तो चैलेंज के लिए हमने उनको इन्वाइट किया लेकिन यहाँ पे कोई आईएमए का आदमी दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा राइट तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोरोना काल डॉट टी वी स्लैश डायलिसिस फ्री इसी वक्त जो लोग लाइव हैं इसी वक्त आप चाहे तो कोरोना काल डॉट टीवी स्लैश डायलिसिस फ्री में जाएंगे तो पहले सौ पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है पहले सौ पेशेंट का ऑलरेडी okay. डाल दिया है तो मेरा पहला चैलेंज यह है कि आप सबने मिलकर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है पिछले सत्तर साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए बदले में मैं आपको सौ पेशेंट दे रहा हूँ और अगर ये सौ ये सौ पेशेंट आप टेस्टिस्ट अगर आप ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूँ आप आइए हमारे हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस डेराबसे चंडीगढ़ में, में हॉस्पिटल है ये देखिए इनका डायलिसिस हो रहा है कैन यू सी दैट ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे लेकिन आप देखिए आप कि वो अब ये बाथटब टब है इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा दो घंटे तक बैठ रहे हैं और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है एक्सेस क्रेटनाइन बॉडी में है एक्सेस सोडियम बॉडी में है बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या, या यूरिन के रास्ते निकालता है तो ये आप देखिए ये हमारे पेशेंट्स हैं राइट इस तरह से डायलिसिस हो रही है और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे मतलब एक महीना करेंगे उसके बाद एक महीने से तीन महीना उसके बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था वो किडनी अब ठीक हो गई पहले की तरफ ब्रांड न्यू किडनी राइट तो मैं आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये तो फ्रॉड है इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए उनको मैं इनवाइट करता हूँ यू कम आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए और वहाँ पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कम कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस